दुमका में स्टेट लेवल कैरम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सीनियर, जूनियर और महिला श्रेणी में कैरम प्रतियोगिता को आयोजन किया गया। जूनियर और महिला श्रेणी के सभी खिताब दुमका जिले के खिलाड़ियों ने जीता। वहीं पुरुष फाइनल गढ़वा के पक्ष में गया और अब जीते हुए खिलाड़ियों को नेशनल गेम के लिए तैयार किया जाएगा। यहाँ का जो झारखंड स्टेट कैरम चैंपियनशिप आयोजित किया गया 3 दिवसीय दुमका डिस्ट्रिक्ट कैरम एसोसिएशन के अंतर्गत झारखंड स्टेट कैरम एसोसिएशन के तत्वाधान में इंडोर स्टेडियम में किया गया है, जिसमें 14 जिले के खिलाड़ी भाग लिए। उसमें खिलाड़ियों की संख्या कुल 108 थी। हम कुल इसमें 30 महिला और 78 पुरुषों ने हिस्सा लिया। किस जिला का मुख्य रूप से दबदबा रहा है, ऐसा कुछ ट्रेंड? तो सबसे ज़्यादा दबदबा दुमका जिला का ही रहा है, क्योंकि बालक वर्ग में, बालिका वर्ग में और महिला वर्ग में तीनों में दुमका जिला अव्वल रहे। 1, 2, 3 दुमका ही रहे। और फाइनल का क्या रहा? फाइनल में हमारे गढ़वा के मेंस में, पुरुष में गढ़वा के आलोक कश्यप जी विनर रहे, रांची के सोनू पांडे जी रनर रहे। और जूनियर का? और दुमका इसमें 4th पोजीशन पे रहा फाइनल में, पुरुष वर्ग में। और लेडीज? लेडीज तो दुमका का तीनों वर्ग रहा, 1, 2, 3, 4 दुमका ही रहा। स्टेट लेवल प्रतियोगिता का आयोजन दुमका में होने से यहां के खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। इससे बच्चों में कैरम के प्रति एक रुझान पैदा होगा। दुमका में राज्य स्तरीय कैरम बोर्ड प्रतियोगिता का आयोजन होने से इस खेल के प्रति यहां एक माहौल बना है। फिलहाल दुमका ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया और महिला और जूनियर वर्ग में अच्छे अंक लाए, फाइनल भी जीता। लेकिन अब नेशनल स्तर पर इसका क्या प्रदर्शन होगा, यह तो वक्त ही बताएगा। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।